와우. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं वेडिंग वेन्यू डिसाइड करने। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे घर में शादी है और आजकल चल रहा है वेडिंग सीज़न, तो हम सारे शादी की तैयारियां कर रहे हैं और मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आज हमें करना है वेडिंग वेन्यू डिसाइड करने। ये हम लोग लाहौर में रहते हैं, तो ये लाहौर में हम लोग हॉल देखने आए हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं शायद उन्हें पता हो मॉडल टाउन हॉल्स का, जिनका नेम है डी फ्लोरस के नेम से। हम लोगों को किसी ने रिकमेंड किया था कि आप लोग ये ज़रूर विज़िट करें, ये बहुत प्यारा है, इनका डिकोर है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर विज़िट करने आए थे, तो वो जो एक चीज़ कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो ऑनेस्टली आप लोग एक दफ़ा देख के ज़रा आप लोगों को डिफरेंट लगती है कोई चीज़। ये बहुत प्यारा है, इनका सारा कुछ अंदर हुआ हुआ था डेकोर वगैरह, ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एंटर हुए थे यहाँ पर। ये हॉल है, इसके ये लॉबीज़ हैं, सोफ़ा सेट्स हैं, जो कि मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छी लग रही थी। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि ये है इनकी लॉबी। आप किसी भी हॉल में एंटर होने से पहले ये इनकी लॉबी है, जिसका ये जो डेकोर हुआ हुआ है सारा, और यहाँ पर इन्होंने अपने फ़ोटोग्राफ़र का भी दिया हुआ है। आप लोग ऐसे फ़ोटोग्राफ़र अपना करवा सकते हैं, चाहे जो मर्ज़ी करवाना चाहें, आप अपना भी करवा सकते हैं और इनका भी करवा सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। एंड ये हम लोग देख रहे आए थे कि इनकी लॉबी है, और इनका ये जो यहाँ पर डेकोर हुआ हुआ है वो आपके वेडिंग डेकोर में इंक्लूडेड नहीं होता, ये इनका परमानेंट डेकोर है जो कि हर टाइम यहाँ पर रहता है, परमानेंटली रहता है। तो ये भी शूट करने की, फ़ोटोग्राफ़ी करने की बहुत अच्छी ऑप्शन है, जगह है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा, इनकी जो लॉबी थी वो बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई थी। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन था थोड़ी देर बाद, एक वेडिंग फंक्शन था, तो उन लोगों की कैपेसिटी, लोगों की जो थी वो कम थी, तो इन्होंने हॉल को सेंटर से पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ था। तो अगर आप लोग के गेस्ट ज़्यादा हैं तो ये आप लोग को हॉल उस अकॉर्डिंग भी दे देंगे, और अगर गेस्ट कम है तो ये पार्टीशन हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो मुझे सबसे एक चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी इनकी, मुझे इनका जो हॉल जो था वो प्यारा, इनका इंटीरियर बहुत प्यारा हुआ हुआ था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो सारी हुई हुई थी, एंड जो इनका फर्नीचर था वो बहुत एलिगेंट था, बहुत अप टू डेटेड था। यूजुअली जो होते हैं हॉल्स होते हैं वो बस पुराने, जब से बने होते हैं वो कोई चेंजेस नहीं लाते, तो एक पुरानी चीज़ चलती ही आ रही थी। ये बहुत मॉडर्न था, इसमें वो वाला हिसाब नहीं था पुराने हॉल्स वाला, ये बहुत मॉडर्न था। इसकी सारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बहुत मॉडर्न हुई थी, अप टू डेट था। हमें सबको, जो भी हम लोग सारे लोग देखने गए थे, हम सबको ये बहुत अच्छा लग रहा था, जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो बहुत अच्छा था। और ये जिनका भी इवेंट था उनका स्टेज तैयार हो रहा था, तो हमें इनका स्टेज भी जो था बहुत बड़ा स्टेज था, बिल्कुल कंजस्टेड स्टेज नहीं था, और स्टेज भी खुला खुला सा था, बहुत इजीली आपके काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ सकते हैं। एंड ये इनके हेड टेबल्स हैं, जिनका डेकोर भी ऑलरेडी इन्होंने किया होता है, हेड टेबल्स जिन पे सारे जो वीआईपी लोग होते हैं, यूजली जो भी फैमिली साइड्स होती हैं, आप उन लोगों को वहाँ बिठाते हैं। ये इनका आप हेड टेबल भी देख सकते हैं, ये दोनों साइड्स पे थे स्टेज के, यहाँ पर काफ़ी प्यारा डेकोर हुआ हुआ था। एंड इनकी जो ये लॉजेस थी, सोफ़ा सेट्स जो थे, एंड साथ इनके टेबल्स थे जो कि बहुत अच्छे थे। जो लोग आप लोगों के जो टेबल्स, खाने वाले टेबल्स होते हैं उन पे नहीं बैठते, वो यहाँ पर भी इजीली खा सकते हैं। तो एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस हॉल की, ये बिल्कुल कंजस्टेड नहीं था, बहुत खुला खुला सा था। हमने उनसे कैपेसिटी पूछी थी कि इस हॉल की कितनी है, तो उन्होंने कहा था कि यूजली 450 to 500 लोग ईजिली यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं होता। अब हम इसका ब्राइडल रूम देखने आए थे, तो ब्राइडल रूम बहुत सीरियसली बहुत प्यारा ब्राइडल रूम था, और बहुत ये भी अगेन स्पेशियस था, बहुत इसका भी इंटीरियर बहुत अच्छा हुआ हुआ था। आप लोग यहाँ पर भी आराम से शूट वगैरह, पिक्चर्स वगैरह हो सकती हैं। एंड साथ इनका एक इस ब्राइडल रूम के अंदर एक सेपरेट वॉशरूम था, जो कि ब्राइड का, ऑब्वियसली ब्राइड के यूज़ के लिए। एंड यहाँ पर जो सेटिंग थी ब्राइडल रूम की, वो भी इजीली 14 to 15 persons ईजीली यहाँ पर आ सकते थे,
एसी वगैरह हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, हीटर वगैरह, अगर सर्दियों में तो हीटर्स वगैरह सारा कुछ था। तो हम सबको तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाला हॉल बहुत अच्छा लग रहा था, हम सारा भी विज़िट कर रहे थे। इनके टोटल 3 हॉल्स हैं और 2 ये हमने अभी फर्स्ट वाला देखा था। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लॉबी, जो कि इन हॉल्स की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो ये था कि यूजली होता है हॉल्स में आप एंटर होते साथ आपको बहुत कंजस्टेड सा हो जाता है। इनकी पहले लॉबी है एंड लॉबी के बाद इनका ये भी एक चीज़ जो बहुत अच्छी है कि इनका एक हॉल एक दरवाज़ा नहीं है। फोटोग्राफर्स रोक रहे होते हैं तो पीछे से लोग रुके होते हैं, तंग हो रहे होते हैं। यहाँ पर यह भी है कि इनके 3 डोर्स हैं, वो तीनों डोर्स आप लोग ओपन करवाना चाहे तो करवा सकते हैं कि आगे वाले लोग जो फोटोग्राफी करवा रहे हैं वो रुक जाए, बाकी सब ने बेशक दूसरों से आना तो आ जाए, तो कंजस्टेड बिल्कुल नहीं होता। ये मैं आप लोग इनके सेकंड हॉल में लेकर आई हूँ। यहाँ पर आई गेस कोई इवेंट ख़त्म हो गया हुआ था तो यहाँ लाइट्स वगैरह ऑफ थी, प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखने आए थे कि सारा फर्नीचर इसी तरह का है या सिर्फ उस हॉल में अच्छा था। लेकिन हमने यहाँ पर भी आकर देखा तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके फर्नीचर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इस हॉल की भी बहुत अच्छी थी। स्टेज इसका भी बहुत स्पेशियस था, बिल्कुल छोटा स्टेज नहीं था, कंजस्टेड हॉल्स बिल्कुल नहीं थे। और एक और जो हम लोगों ने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने ये कहा कि हम लोग ये नहीं करते कि हम जितने मर्ज़ी गेस्ट की बुकिंग कर लें और हॉल को अपने कंजस्टेड कर दें, हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी होती है हम उतना ही करते हैं। और अगर किसी के गेस्ट कम है तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को पहले दिखाया है उसकी वो पार्टीशन कर देते हैं। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, फर्नीचर क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं, इनके जो सोफ़ा सेट्स वगैरह हैं और सारा। और एक और चीज़, इनके सोफ़ा सेट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, यूजुअली इतनी ज़्यादा होती नहीं है, इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी। और इनके जो टेबल्स भी है जो आप लोगों को पीछे लगे हुए हैं वो भी बहुत मॉडर्न से टेबल्स थे, स्टाइलिश से टेबल्स थे। ये इनका सेकेंड हॉल था एंड ये इनका थर्ड हॉल है। और जो मुझे सबसे अच्छी इनकी जो लॉबी थी वो सबसे प्यारी डेकोरेट हुई हुई थी। जो मुझे सबसे अच्छी इनकी चीज़ लग रही है ना वो ये है कि इन लोगों ने एक स्टार्ट जो हॉल का होता है ना वो डायरेक्ट हॉल से नहीं है, वो आप यहाँ पहले इनडोर से एंटर होते हैं तो एक लॉबी है, पूरी प्रॉपर लॉबी है जो कि बहुत प्यारी डेकोरेट की हुई है इन्होंने। अब तक 3 हॉल्स की बहुत प्यारी डेकोरेट हुई हुई है, आप लोग इजीली यहाँ पर शूट वगैरह सारा कुछ, शैंडलियर, फ्लावर्स वगैरह सारा कुछ यहाँ ऑलरेडी है। ये मैं आप लोग को शैंडलियर दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा बहुत बड़ा था। आई डोंट नो आप लोगों को अगर ये वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं, बट ये साइज़ में बहुत बड़ा हॉल था। एंड ये वाला थर्ड भी आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर भी कितना इनका सटल सा टोन है, शेड्स का, कलर्स का, बहुत एलिगेंट सा है। तो यहाँ पर भी इनका आप लोगों को ये हॉल बहुत प्यारा लगा, फर्नीचर ये भी अगेन स्पेशियस था, सारा कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोग जो कंसिडर कर रहे थे हॉल वो फर्स्ट वाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया था जिसके अंदर ब्लू सोफ़ा सेट्स थे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी लोगों की उतरी थी 450 to 500 जो कि वहाँ पर ईजिली आ जाते थे। तो हम लोग का खाने का भी कंसर्न था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे, हमने ट्राई नहीं किया था। ऑब्वियसली आप शादी पर रेस्ट नहीं ले सकते, या आप लोग स्टेज देख सकते हैं कि कितना प्यारा स्टेज भी इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। एंड एक चीज़ जो आप लोग अपना जो डेकोरेशन है वो इनके अपने हॉल का ही आपको होगा, आप बाहर से नहीं अब तक किसी से करवा सकते, वो आप लोगों को इन्हीं से ही करवाना पड़ेगा। जो भी आप लोग करवाना चाहते हैं वो चीज़ें जिस हिसाब से आप तक करानी है, जो करनी है वो उसके अकॉर्डिंग पैसे ऐड होते जाते हैं। जैसे डीजे हो गया या स्पॉटलाइट वगैरह हो गई, उनके सबके सेपरेट चार्जेस हैं, वो आपको सबके वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ चाहिए वो ऐड ऑन करा सकते हैं और उसके सेपरेट चार्जेस दे सकते हैं। ये इनके हेड टेबल्स हैं जो कि पहले से ही डेकोरेटेड है। वैसे ये अच्छी चीज़ थी कि इन लोगों ने एक दफ़ा ही परमानेंटली डेकोरेट कर दी है, वो बार बार नहीं आपको करने पड़ते। तो ये हॉल आप देख सकते हैं कि वो हमने सबको अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये लोग हॉट प्लेट्स पे भी सर्व कर देते हैं हॉट बर्नर्स के साथ। तो यहाँ पर जो हमें क्वालिटी इनकी लग रही थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मैं आप लोगों के साथ पूरे शादी के फंक्शन शेयर कर रही हूँ, सारा कुछ तैयारियाँ शेयर कर रही हूँ,
ब्राइडल शूज़ कलेक्शन आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, क्लच कलेक्शन शेयर कर चुकी हूँ, ड्रेसेस शेयर कर चुकी हूँ, और मैं आप लोगों के साथ सारी शादी की शॉपिंग वगैरह हर चीज़ एंड तक शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से कर दे। आप लोग को बहुत सारे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं मेरी इन वीडियोज़ से, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपको क्या चीज़ कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए और कहाँ से नहीं परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाए और जाकर वो सारी वीडियोस देखें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ थर्ड जो हॉल है उसका ब्राइडल रूम। ये थोड़ा साइज में जो था वो छोटा था, बाकी जो थे वो इन कंपेरिजन टू दिस वो बहुत बड़े थे। हम लोगों ने जो कंसिडर किया था वो फर्स्ट वाला किया था। ये एक बाहर की लॉबी है जो मैं आप लोग को बता रही थी कि लॉबीज़ कितनी प्यारी है इनकी। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताती चलूँ कि इनका कोई आपको पार्किंग का भी इशू नहीं होगा। ये इनकी पूरी बहुत बड़ी पार्किंग है, आप लोग इजीली यहाँ सारी पार्किंग कर सकते हैं। एंड आउटडोर शूट भी अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आउटडोर शूट भी ईजीली हो जाएगा, आप लोगों को किसी सेपरेट लोकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। And yes, that's all for the video. Thank you so much for watching and see you in the next video. Do not forget to subscribe my channel.